So Aji Aji हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज का ब्लॉग भी हम लोग एक फूड ब्लॉग बनाने वाले हैं, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था सुजॉय का फेवरेट ब्लॉग होता है। तो वो कोशिश ये करता है कि हर संडे को वो ना फूड ब्लॉग खाने चलेंगे सो आज हम लोग आए हैं वापस एक फूड ब्लॉग में। और वैसे क्या खासियत है आज के फूड ब्लॉग की, एक बार बताओ। तुम बिरयानी कितने तरह की जानती हो? यार मैंने मोटा मोटी सुना है ऑलमोस्ट, शायद कुछ जो बहुत ही फेमस नून रेसिपीज़ हैं वो 10 टाइप्स की बिरयानीज़ होती हैं, विच इंक्लूड योर लखनवी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, कलकत्ता बिरयानी, तिहारी बिरयानी एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी। ओके, तो तुमने कभी जयपुर में टिपिकल हैदराबादी बिरयानी खाई है? या बिरयानी तो खाई है मगर टिपिकल ऑथेंटिक वाली नहीं खाई है, दैट इज़ ट्रू। तो चलो आज तुमको एक टिपिकल हैदराबादी बिरयानी खिलाते हैं। बिल्कुल लगी शर्त? शर्त, लेकिन तुमको एक मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ बताओ। तुमको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी आज से। ये क्या था? चलो चलो अपन बिरयानी खाने चलते हैं। तो जैसे कि सुजय ने मुझसे प्रॉमिस किया था, वो मुझे ऑथेंटिक बिरयानी खिलाने वाला है जयपुर में। तो उसके लिए ही वी केम एट बिरयानी टर्नओवर, विच इज़ इन पंचवटी राजा पार्क, और यहाँ का एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्रॉमिस तो किया है सुजय ने, और देखते हैं कि अपना प्रॉमिस कितना किस हद तक पूरा करने वाला है। बिल्कुल, बट रीज़न ये है कि इनके जो शेफ हैं वो हैदराबाद से इन्होंने स्पेशली यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि हैदराबाद ही दम बिरयानी जो है वो स्पेशल अगर बनानी है तो हैदराबाद के शेफ़ की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके जो शेफ़ हैं वो हैदराबाद से ही आए हैं। बताओ, तो फिर तो चांसेस है कि तुम शायद शर्ट जीत जाओगे। तो पहले किचन चलते हैं, एक बार देखते हैं कि कर क्या रहेंगे लोग। चलो हैदराबादी दम बिरयानी, और मैंने इस बिरयानी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा था कि कहा जाता है कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके किचन में इसकी शुरुआत हुई थी। अब ज़्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड करे जाते हैं, स्पाइसेस बहुत सारे, मतलब अलग से कुक किया जाता है मटन को, चिकन को, आप जिसमें भी उसको बनाते हो, और फिर उसको लेयरिंग की जाती है, एंड इट रियली स्मेल्स सो वेरी नाइस। So you both are from Hyderabad, yes. And this place is specifically known for the typical authentic Hyderabadi biryani. Yes. So you've been here earlier also? Yes, quite some time. And 2-3 times. What is your feedback about this? Yeah, place? Actually, initially first, actually we had two doctors we come from Hyderabad who are staying here. So we first time when we came here. तो हम दोनों को घर याद आ गई थी जब हम आ गए थे तो हैदराबाद बिरयानी। इसके बाद हम रेगुलरली आते गए और जो भी हमारा हैदराबाद बंदा या मिला तो उसको बार बार इधर लेके आए खाने के लिए। सो इट मींस कि यस, ये जो प्रॉमिस करते हैं कि वी सर्व, एक्चुअली आई हैव इवन स्पोकन टू बोथ द शेफ्स, देयर इज एक्चुअली टू, देयर वाज वन मोर शेफ हु इज एक्चुअली फ्रॉम हैदराबाद, आई नो वेयर ही इज आल्सो, आई हैव हिज कांटेक्ट। ओके ओके ओके, तो अच्छा है, सो वी फील एट होम। सो ऑलवेज लाइक वंस अ वीक हमें चाहिए, अगर पार्सल तो मंगा लेते हैं या आके खा लेते हैं। ओके, तो मिस कर नहीं करते घर को। सो यू आर हियर इन जयपुर फ्रॉम लास्ट वन ईयर? हां, आई एम हियर। एंड यू जस्ट केम? आई जस्ट केम
It's been 3 days. I was asking him, where's my biryani? So we thought, okay, Sunday. So we are also Bengali. We have same situation. We are Bengali or Bengalis. We are same situation. Like rice. My friend, one more doctor is a Bengali. So okay. Yeah, he wants fish and rice always. I need rice. I can't survive without rice. So what is your review about this food? So we felt funny. Well, that's actually that's a coincidence, but that's a very good coincidence we got to talk to the people who are actually from Hyderabad, and we are actually making a vlog on a typical Hyderabad. Yeah, no, actually, I have promoted this place because initially when it opened, we actually keep searching. We go through Zomato, we see the images, and we search for our kind of biryani. South Indian food and. So I and my friend, we first saw the image of the rice, and we were like, there is compulsory, there is going to be like our kind of biryani. So then we came. The first time they came here, he got me. I found the best biryani in Jaipur. It's Anvita is a restaurant in my place. That's my favorite. He was like, it's better than Anvita biryani. You won't believe it. First, when you come to Jaipur, you have to eat this biryani. That is really great. Nice. And after hearing so much of this, I am really dying to taste the biryani. And I think ki shayad Sujoy is baar shart jeetne wala hai. सो किचन भी देख लिया आपने, रिव्यू भी देख लिया आपने, और क्या बोलो पियो, बोलो। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता जयपुर में किसी ने भी अभी तक रमज़ान के ऊपर कोई ऑफ़र दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने अभी एक इफ़ार रमज़ान के ऊपर एक ऑफ़र दिया है इफ़ार के लिए, जो भी रमज़ान रखते हैं बेसिकली इफ्तार क्या होता है, जो रात में जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो ये रमज़ान का फेस्टिवल होता है, रात में ये लोग जब अपना फास्ट खोलते हैं तो पहली चीज़ तो खजूर डेट से अपने फास्ट को ओपन करते हैं, बिल्कुल, और उस रात के जो खाने को ये लोग इफ्तार कहा जाता है, और मॉर्निंग में जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं सिर्फ एक थोड़ा सा मैंने जो थोड़ा बहुत अगर रॉन्ग हो तो आप कमेंट में करेक्ट कर देना हमको, सो मैं थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे आई एम टेलिंग दिस, कि जो मॉर्निंग का जो इनका अर्ली मॉर्निंग फूड होता है दैट इज़ नोन एज तेहरी, और जो नाइट का जो फूड होता है आफ्टर सनसेट जो ये लोग ओपन करते हैं दैट इज़ नोन एज इफ्तार, तो इफ्तार के लिए इन्होंने एक क्या व्हाट यू वर इफ्तार के लिए इन्होंने कॉम्बो रखा है 499 का, जिसमें ये दो चिकन बिरयानी दो प्लेट आप वेज में भी ले सकते हो, वेज बिरयानी भी ले सकते हो और चिकन बिरयानी भी ले सकते हो, दोनों में से दो चिकन बिरयानी, दो जलजीरा और दो वन डिज़र्ट, हाँ वन डिज़र्ट है ना, मुस्लिम कम्युनिटी में है जो लोग रमज़ान रखते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा जगह, एक ऑप्शन है यू मस्ट ट्राई, आप आ सकते हैं यहाँ पे और आके यहाँ पे जरूर से, और आज हम भी जो ट्राई कर रहे हैं, यस हां जी, जो ट्राई करने वाले हैं दैट इज आल्सो गोइंग टू बी दैट रमजान कॉम्बो 499 वाला, 499 जिसमें दो चिकन है, एक मेरे लिए चिकन बिरयानी एक मेरे लिए और एक इसके लिए, और दो जलजीरा है, एक इसके लिए एक मेरे लिए, और एक मिठाई है मेरे लिए। अच्छा, कि मेरे को किसने मना करा मिठाई खाने से? लड़की तैयार हो गई है चश्मा पहन के, जैसे जंग की तैयारी में निकली हो, इतनी देर से चश्मा पहन नहीं रखा था इसने। सो दिस इज माई चिकन बिरयानी
जो कि दिया गया है मिर्च के सालन के साथ में. आई डोंट नो इसका टेस्ट मैं क्योंकि पहली बार खाने वाली हूँ, मैंने मुझे नहीं पता ये किस चीज़ से बनता है या कैसे खाने में टेस्ट होता है. लेट्स सी. और ये आपका रायता. खुशबू तो बहुत अच्छी है. तो मैं काम करो, तुम शूट करते रहो, मैं खत्म कर दूंगी. नहीं, इसलिए तो दूसरा वाला बाउल नहीं मंगवाया तुमने. मैं उसका लग से रखा था. वेरी टेस्टी. तुम तो ये बताओ कि जो मैंने चैलेंज दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं. या मैं तो मैंने कहा है कि तुम चैलेंज करो, वो पूरा नहीं हो. सो खाते ही रहोगे या लाइक एंड करें वीडियो को? सब कुछ मैं ही करूँ. अच्छा बिरयानी खिला दी भाई. हाँ हाँ तो ठीक है. सो इसी के साथ हमारे आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. एंड वी रियली 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 होप कि आपको आज का वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा. सो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा यार. देखते हो लाइक भी कर दिया करो, प्लीज़ कमेंट भी करके बताया करो. मतलब व्हाट्सएप करते हो, इंस्टा पे डीएम करके बताओगे, यहाँ पे भी बता दिया करो. और हाँ, इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो. नीचे आई गई होंगी सारी, नीचे आई गई होंगी और वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ जाएंगी. सो प्लीज डू फॉलो, प्लीज डू लाइक, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद अदर्स ऑल्सो. सो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी ही दूसरे ब्लॉग पे. बाय बाय.